विकारों से बचने के उपाय। मनुष्य के सबसे निकट तथा सबसे दूर कौन सी चीज है? तो वो है श्री भगवान। देखा जाए तो श्री भगवान हमारे सबसे निकट हैं। इतना और कोई भी नहीं है, और यदि नहीं तो वो सबसे दूर हैं। इतना नज़दीक होते हुए भी उन तक पहुंचने में कितने जन्म लग जाते हैं। भगवान को पाने का सरल रास्ता है साधना। साधना कई प्रकार की होती है। पहला नाम सिमरन, दूसरा ध्यान, तीसरा भगवान के प्रति सच्चा प्रेम, चौथा निष्काम कर्म और पांचवा संसारी विषयों से दूर। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि साधना के साथ साथ हम अपने विकारों को दूर करें। हमारे विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष और अहंकार हैं। ये विकार न केवल इस जन्म के बल्कि कई जन्मों के बुरे संस्कार हैं, जो कि विकारों का रूप धारण किए हुए हैं। ये विकार इतने बुरे हैं कि साधना चाहे कितनी भी क्यों न हो, वो हमें आध्यात्मिक मार्ग में ज्यादा साथ न दे सकेगी। एक ब्राह्मण था, उसकी एक पत्नी तथा एक बालक था। वे बेचारे बहुत ही निर्धन थे। एक दिन वह समय आया जब उनके पास घर में दिया जलाने के लिए तेल तक न था। घर में अंधेरा छाया हुआ था। बूढ़ा और बुढ़िया दोनों बहुत झगड़ते थे। इतने में भगवान शिवजी तथा माता पार्वती जी दोनों वहां गए। जब पार्वती जी ने देखा कि घर में अंधेरा छाया हुआ है, तब वह भगवान शंकर जी से बोली कि हे नाथ, देखो कितनी दरिद्रता है, इनको कुछ देना चाहिए। तब भगवान शंकर जी ने कहा कि इन्होंने बहुत बुरे कर्म किए हैं, परंतु माता पार्वती जी के बहुत कहने पर भगवान शंकर जी ने उनके घर पर प्रकाश कर दिया और वो दोनों उनके घर गए। माता पार्वती ने कहा बुढ़िया से कि हे, कि तुम्हारे घर साक्षात भगवान आए हैं, जो मांगना है मांग लो। बुढ़िया ने सोचा कि धन तो मेरा पति और बालक मांग लेंगे, और हमारा जो रोज का झगड़ा होता रहता है, तो यदि मैं 16 बरस की कन्या बन जाऊं तो ये झंझट दूर हो जाएगा। वो भगवान शंकर से बोली, भगवान मैं चाहती हूं कि मैं 16 बरस की कन्या बन जाऊं। सो वह बना दी गई। अब ब्राह्मण की बारी आई। उसने सोचा कि बुढ़िया तो 16 बरस की कन्या बन गई और मैं बूढ़ा दिन भर इसकी गालियां सुनता रहूंगा, मुझे तो ये और भी नहीं टिकने देगी, तो मैं क्यों ना ये मांगूं कि ये गूंगी और बहरी हो जाए, जिससे न वो कह सकेगी न सुन सकेगी। उसने भगवान शंकर जी से वही मांगा, सो उसकी पत्नी गूंगी और बहरी हो गई। अब बालक से पूछा गया कि तुम मांगो, तब वह नादान बालक ने देखा कि मेरी माँ की जगह एक 16 साल की गूंगी बहरी कन्या खड़ी है, तो उसने श्री भगवान से कहा, हे भगवान, मेरी माँ मुझे दे दो। तो उसकी माँ पुनः उसी रूप में आ गई। भगवान शंकर जी व माता पार्वती जी वहां से चले गए। शंकर जी ने कहा, जहां भाग्य में नहीं होता वहां कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। द्वेषता इतना बुरा विकार है कि मनुष्य को उसके कारण कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। सो भाई,
ये विकार तो बहुत बुरे विकार हैं। अपने अंदर देखो कितने विकार हैं। इन्हें दूर करने के लिए सरल उपाय ये है कि इन सब विकारों को निकाल कर श्री भगवान के समक्ष रख दो और कहो कि हे भगवान, ये जो विकार हैं इनसे उठने की शक्ति दीजिए, जिससे मैं इन पर विजय पा सकूं। मुझ में शक्ति नहीं है कि मैं इन विकारों को दूर कर सकूं। ये जन्म जन्मांतर से मेरे पीछे लगे हुए हैं। मुझे वो शक्ति दो जिससे मैं इन विकारों से मुक्त हो जाऊं। श्री भगवान को पाने के लिए जब साधना की जाती है तो सबसे पहले इन विकारों को दूर करना चाहिए। रोगी जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर ही उपाय बताता है कि परहेज करना और दवाई समय पर पीना, परंतु मनुष्य सिर्फ दवाई ही पी लेता है और परहेज नहीं करता, तो वो दवाई कितनी देर असर करेगी। उसी प्रकार यदि विकार दूर न होंगे तो साधना ज़्यादा देर तक साथ न देगी। जब तुम प्रेम पूर्वक श्री भगवान से प्रार्थना करोगे कि हे भगवान, मेरे विकार दूर हो जाएं, कभी कभी तो शायद आपको इसके लिए रोना भी पड़ेगा, तो अवश्य ही एक दिन श्री भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। परंतु भगवान की कृपा के बिना हम इन विकारों पर विजय नहीं पा सकते। विषय वासना को कम करना चाहिए, परंतु कहते हो कि मेरे बाल बच्चे कैसे पलेंगे, मेरी गृहस्थी कैसे चलेगी। भगवान ने जब किसी मानव को संसार में भेजा है तो उसकी प्रारब्ध पहले से ही बनाकर भेजी है। भगवान प्रारब्ध पहले बनाते हैं और उस प्रारब्ध को पूरा करने के लिए चोला पीछे देते हैं। इस संसारी मोह माया को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, अभ्यास से धीरे धीरे इनसे मुक्त होना चाहिए। शांति ही जीवन का सार है। जहाँ सत्य होगा वहाँ शांति होगी, और जहाँ शांति होगी वहाँ श्री भगवान जरूर होंगे। श्री कृष्ण भगवान जी हमेशा बांसुरी बजाते थे, क्योंकि वो अंदर से खाली होती है, उसमें मैं नाम की चीज़ नहीं होती, अर्थात अभ्यास में अहंकार नहीं होता। यदि अभ्यास में से अहंकार को हम निकाल देंगे तो श्री भगवान हमको भी होठों पर लगाकर इस शरीर रूपी बांसुरी को बजा जीवन रूपी गोपियों को रिझा देंगे। महाभारत का युद्ध सदा हमारे शरीर में भी चलता रहता है। पांच पांडव हमारी पांचों इंद्रियां हैं। 101 हमारी अनेकों इच्छाएं और वासनाएं हैं। इन वासनाओं को हमको नष्ट करना चाहिए, आखिर में इनका अंत होना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान जी को हमेशा रथ चलाते देखा गया है और अर्जुन देव जी पीछे बैठते थे। ये हमारा मन अर्जुन है, इसको भी हमें श्री भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। वो इसे जिस प्रकार भी चलाएं उनके हाथों में कर देना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से यही कहा कि हे अर्जुन, तू मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं तुझे पापों तथा दुखों से छुटकारा दिला दूंगा, यहाँ तक कि तुझे जन्म मरण से भी छुटकारा दिला दूंगा। तू केवल अपने आप को मुझे अर्पण कर दे। शरणागति। हर मनुष्य को चाहिए पहले अपनी असलियत को पहचाने। वो कितना निर्बल है, बेबस है, अगले श्वास का भरोसा नहीं कि आए या न भी आए। बड़े बड़े बलवान जिनको ताकत का, अपने बल का
बड़ा अभिमान था, एक रोग आया और खत्म हो गए। बड़े बड़े धनवान जो लाखों करोड़ों में खेलते थे, एक धक्का लगा और भिखारी बन गए। आप माया का जोर देखिए, ये 6 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और राग द्वेष। कई लोग सारी सारी आयु उनसे लड़ते रहे अपने बल से, और लड़ लड़ कर आखिर मार खाकर चले गए, क्योंकि अपने बल से लड़ते रहे। विकार क्या हैं? ये माया के यंत्र हैं। और माया क्या है? ये श्री भगवान की अनंत शक्ति है। एक मनुष्य में सामर्थ्य ही क्या है जो वह श्री भगवान की शक्ति का मुकाबला कर सके? ये सबसे पहले समझने की बड़ी भारी जरूरत है। हमने कई लोगों के मुख से सुना कि अभी तो हम भगवान के रास्ते में नहीं चल सकते, क्योंकि हम में बहुत विकार भरे हैं। पहले अपने विकार दूर कर लें, फिर हम भगवान की तरफ जाएंगे। कितना गलत गलत ख्याल है। अंग्रेजी में कहा है, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर हम चलते नहीं, बोलते हैं हम पहले अपने विकार मिटा लें, फिर भगवान के रास्ते आएंगे। तुम्हारे में शक्ति कहाँ है इन विकारों से लड़ने की? वो श्री भगवान की शक्ति के यंत्र हैं। तुम एक मामूली से बेबस आदमी हो। तुम्हारे में सामर्थ्य क्या है इन विकारों से लड़ने का? इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपनी बेबसी को और कमजोरी को समझे, और फिर किसी ऐसी महान शक्ति का आसरा ले जिससे कि वो इन कमजोरियों का मुकाबला कर सके, माया का मुकाबला कर सके। और जो इसी माया के बड़े बड़े हथियार हैं, यंत्र हैं, उनसे मुकाबला कर सके। तो कौन सी ऐसी शक्ति है जिसका आसरा लेने से वो माया के इन बलवान यंत्रों का, प्रारब्ध का और अपने कर्मों की गति का मुकाबला कर सकता है? मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी बेबसी को जाने, सोचे। श्री भगवान की शक्ति के बिना वो सदा भय में रहेगा। जब तक वो उनका आसरा नहीं लेगा वो सदा भय में रहेगा। हर समय उसको कोई ना कोई भय, चिंता, फिक्र लगी रहेगी, और वो सदा भयभीत रहेगा, सदा किसी ना किसी गम में घुलता रहेगा। तो जो बुद्धिमान पुरुष होगा वो सोचेगा कि उस अनंत शक्ति का आसरा लेना चाहिए जो सबकी मालिक है, जिसकी माया ये सारे ब्रह्मांड को चला रही है। उस शक्ति का आसरा लेने से हम निर्भय पद को प्राप्त हो सकते हैं। हम ये जो फिकर में रहते हैं हम उससे बच सकते हैं। हमें भरोसा है कि हमारे पीछे कोई है, हमें आसरा देने वाला। जिस जिस समय हमें भय आए, फिकर आए, चिंता आए, उस समय हमें पता है कि हमारे पीछे हमारी माँ है, जिसकी अनंत शक्ति की वजह से किसी में दम नहीं जो हमें हिला सके। तो इसलिए हम बार बार आप लोगों को बताते हैं कि सबसे प्यारा रास्ता श्री भगवान की ओर चलने का, जो इस जन्म में भी सुख दे और आगे भी हमारी बात बन जाए, वो है शरणागति। शरणागति श्री भगवान को अर्पण कर देना, इसी को पवित्र प्रेम कहते हैं, जिसको हम हर रोज जोर देते हैं कि अपने प्रेम को पवित्र रखो, अपने प्रेम में मिलावट मत आने दो, अपने प्रेम में मनुष्य बुद्धि को मत घुसने दो, ब्रह्म बुद्धि को अपना काम करने दो। श्री भगवान से प्यार करना है तो सच्चा प्यार करो, वो मिलावट वाला प्यार करना है तो संसार में ही पड़े रहना।
एक जर्मन संत ने कहा कि भगवान को अपने अंतरंग में देखो, पर हम अपने आप को भगवान बनाए हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, उनकी मर्जी उनको मर्जी नहीं चलाने देते। हम सोचते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, उन्होंने हर चीज़ सोच समझकर तय की है कि हमारे लिए क्या बात ठीक है, कौन सी बात हमारे हित के लिए है। जैसे जैसे शरणागति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे मन शांत होता जाता है, जीव सुखी होता जाता है, प्रेम और पवित्रता बढ़ती जाती है, भगवान का प्यारा होता जाता है और भगवान के नज़दीक होता जाता है, भगवान के दैविक गुण उसमें आते जाते हैं। इसलिए शुद्ध मन से अपने आप को उनके अर्पण कर दो, भूल से भी कभी कुछ नहीं मांगो, कितनी भी तकलीफ आ जाए आप यही बोलो कि तेरा भाना मीठा लागे, तेरी इच्छा पूर्ण हो। सबसे अच्छा रास्ता है अपनी मर्जी को उनकी मर्जी में मिला देना, पल पल हमें उनके हुक्म में रहना सीखना चाहिए, हमें बड़े बड़े प्लान्स नहीं बनाना चाहिए। भगवान जानते हैं कैसे हमें चलाना है, आप प्लान्स बनाते जाओ वो तोड़ते जाते हैं, इससे हमें वो सबक देते हैं कि तू कुछ नहीं है। जब तक हम में अहम रहेगा तब तक हम मार खाते चले जाएंगे और हम उनसे अलग रहेंगे, उनमें मिल नहीं सकते। उनमें हम तभी मिल सकते हैं जब हमारा अहम खत्म हो जाएगा, हम कुछ भी नहीं रहेंगे, हमेशा ये अनुभव करते रहेंगे कि हम कुछ भी नहीं हैं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। विकास